नमस्कार, आज खबर को स्वागत करुच्ची मु प्रियदर्शिनी। आसंतु देखिबा आज संपूर्ण खबर। आसंता 18 तारीख रे बंदर नगरी पारादीप रे थिबा बिजु यात्री निवास रे जगतसिंहपुर जिल्लार अस्थाई कोविड 19 हॉस्पिटल उद्घाटन हेबा को जाउची। पारादीप बंदर जिला स्वास्थ्य विभाग और पारादीप पौर परिषदर मिलित सहयोग रे एही हॉस्पिटल आरंभ हेबा को जाउची। 50 बेड विशिष्ट एही हॉस्पिटल रे जिल्लार कोरोना रोगी को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा जिवो। 5टी आईसीयू बेड सहित समस्त सुविधा उपलब्ध हेबा बोली जाना पड़ी। जिलापाल संग्राम केशरी महापात्र पारादीप रे पहुंची कार्यर समीक्षा करथिले। 20 जन स्वास्थ्य कर्मचारी और डाक्टर आसीथिबा बेले हॉस्पिटल आसंता 18 तारीख रु पूरा प्रस्तुत रहबो बोली जाना पड़ी। पारादीप रु अमरेंद्र महंती का रिपोर्ट, परिदर्शक मीडिया। न्यूज परिवेशन पर विभिन्न बैंक परिदर्शन कले उपजिलापाल। भद्रक लॉकडाउन समय रे विभिन्न बैंक और गैस एजेंसी रे सामाजिक दूरत्व को उल्लंघन होउथबा संपर्क रे न्यूज परिवेशन हेला परे प्रशासन पक्षरु भद्रक उपजिलापाल पीतांबर सामल और एसटीपीओ सुनील नंद प्रमुख भद्रक रे थिबा विभिन्न बैंक मानकु परिभ्रमण करथिले। सब बैंक रे पहुंची सोशल डिस्टेंस सानिटाइज और जनसाधारण पीबा पानी सह छाई रे केमिति लोकमाने ठिया हेबे से बाबद रे बैंक कर्तृपक्ष आलोचना करबा सह लोकमानको समुद्रता रक्षा करबा पई सचेतन वार्ता देथिले। जे बैंक माने ओडिसा सरकारको कोविड 19 नियम को उल्लंघन करिवे सेही बैंक मानको विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो बोली उपजिलापाल कहिसंती। भद्रकर लाला प्रमोद राय का रिपोर्ट, परिदर्शक मीडिया। भद्रक रे 3 जन कोरोना पॉजिटिव बाहरिबा परे प्रथमे शटडाउन परे एबे द्वितीय पर्याय लॉकडाउन चलीछि। तबे 3 कोरोना पॉजिटिव मध्यरु 2 जन सुस्थ होइथिबा रिपोर्ट आसीछि। एपरिस्थले केन्द्र सरकार भद्रक को क्लस्टर जोन घोषणा करिछंती। तेनु उभय पुलिस और प्रशासन पक्षरु लॉकडाउन नियम को अधिक कड़ाकड़ी करा जायछि। 3 कंटेनमेंट जोन रु पुराना बाजार को बाद दिया जायथिबा पेले अन्य 2 चरमपा और एरेई को कंटेनमेंट जोन रे रखा जायछि। कोलकाता तथा पड़ोसी राज्य मानक आसीथिबा 130 जन को क्वारंटाइन रे रखा जायछि। सेमानकर स्वाब परीक्षा करा जिबार व्यवस्था होयछि। सही परिभावे कंटेनमेंट जोन रे रहुथिबा लोकमानकर स्वास्थ्य परीक्षा करा जायछि। जाजपुर रो 56 नंबर कोरोना पॉजिटिव को संस्पर्श रे आसीथिबा भद्रकर समस्त लोकंकु क्वारंटाइन रे रखा जायछि। एटीएम एवं बैंक रे अजथा भिड़ को रोकिबा पई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी को दायित्व दिया जायछि। तबे लॉकडाउन नियम को क्लस्टर जोन घोषणा परे जिले रे अधिक कड़ाकड़ी करा जायथिबा जिल्लापाल कहिसंती। भद्रक जिले रे भद्रक पौरांचल तथा ता आखपाख अंचल रे जो 3 कोविड रो पॉजिटिव केस बाहर थिला तो सेथिपई आमे 3टा कंटेनमेंट जोन करथिलु। गोटे पुराना बाजार, द्वितीयटी चरमपा रेलवे स्टेशन पाख एवं तृतीयटी से चरमपा पाखर एरे ग्राम पंचायत जोडा कि भद्रक ब्लॉक रे आसुछे। आमर प्रथम पॉजिटिव केस टी आसला 1 तारीख पाखापाखि जोटा कि पुराणा बजार एरिया एवं ता भितर ये 3 जगह अंचल हाउस टू हाउस जो सर्भेलांस करा जाए से सर्भेलांस हो सारी समस्त कंटाक्ट ट्रेसिंग हो सारी। आम मैंने कंटेनमेंट जोन रे प्रथम पर्यायर पुराणा बजार रे आम उठेछू बर्तमान सुधा। बाकी 2 जो चरमपारे और एरिए अच्छे तार कंटेनमेंट जोन रो नोटिफिकेशन आम विड्र करना। चीफ सेटिंग तरफ रो जो निर्देशनामा आसी कंटेनमेंट जोन रे आमे जो कार्यानुष्ठान गुट ग्रहण करिया कथा से अनुजाई आमे ग्रहण करुछु। ओडिशा सरकार तरफ रो 13 तारीख दिन जो सर्कुलर आसीथिला से अनुजाई ऑलरेडी आमे किछटा रिलैक्सेशन मध्ये देइछु एवं केंद्र सरकार तरफ रो मध्ये गला काली नोटिफिकेशन गुट आसी किछटा रिलैक्सेशन दबा पई किंतु से रिलैक्सेशन 20 एप्रिल परठारु लागू हबो। तेणु बर्तमान सुधा आम पाखे गोटे मेजर समस्या आसूँ जहाँ आम देखु सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पर्टिकुलर बैंक आउ एटीएम लेवल टी प्रोब्लेम होमें आम अफिसर मान को एनफोर्समेंट टीम की तथा एसएचजी मानोजन करमें अनुरोध करूँ जो आम समस्ते सोशल डिस्टेंसिंग मेन्टेन करवा। आमपाई आउ गोटे चिंता थी भद्रक किसी लोक आसी जाजपुर जो 56 पेसेंट आईडेंटिफाई होते सहित गोटे गाड़ी में आसते आम से आईडेंटिफाई कर सारी से इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन रखीचु से सैंपल टेस्टिंग जामें आशा करुचु सैंपल टेस्टिंग रिपोर्ट हूँ तो आज आमको मिल जाइपे। भद्रकुर लाला प्रमोद राय रिपोर्ट, परिदर्शक मीडिया।
कोरोना मुकाबिला लगी उभय सरकारी और बेसरकारी संस्था पक्षर मुख्यमंत्री रिलीफ पांठि को दानर सुअ छुटी। उमरकोट ब्लॉक बीजेडी सभापति अजित कुमार प्रधान मुख्यमंत्री रिलीफ पांठि को 11,000 टंका दान करथिबा बेले झरीगाम विधायक प्रतिनिधि संजय गुप्ता 10,000 टंका, अमिताभ सिंह 10,000 टंका चेक आकार रे उमरकोट ब्लॉक गोष्ठी उन्नयन अधिकारी देवी प्रसाद ताली को प्रदान करछंती। सेहिपरि समन्वित शिशु विकास प्रकल्प अधिकारी सुपरभाइजर और अंगनवाड़ी कर्मी सहायक मान पक्षर 1,53,000 टंका नगद आकार रे उमरकोट सीडीपीओ एस गीतांक जरिया प्रदान करा जायथिला। उमरकोट सहर अवसरप्राप्त वरिष्ठ नागरिक प्रसन्न कुमार दास और शांतिलता महांती परिवार पक्षर 5,000 टंका प्रदान करा जायछि। जेईएल चर्च पक्षर एहार मुख्य और सदस्य मान तरफ 10,000 टंका एक चेक उमरकोट उपखंड आरक्षी अधिकारी हेमंत कुमार पाढ़ी जरिया प्रदान करा जायथिला। नवरंगपुर गोपालकृष्ण पटनायक रिपोर्ट परिदर्शक मीडिया। रक्तदान शिविर अनुष्ठित भद्रक काउपुर पंचायत स्थित जामुगड़िया अंगनवाड़ी केन्द्र में आम ओडिशा तरफ एक रक्तदान शिविर अनुष्ठित हो रक्तदान शिविर को आडवोकेट रश्मि रंजन दीक्षित बंत ब्लक अतिरिक्त तहसीलदार विनीता किस्कू और कादबारंग प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डाक्टर सोनाम स्वाई प्रमुख उद्घाटन करते। रक्तदान शिविर में मोट 45 यूनिट रक्त संग्रह कर एही कार्यक्रम को दिलीप स्वाई भागीरथी प्रधान प्रमुख परिचालना करथिले। आम ओडिशा और आम फ्रेंड्स ग्रुप गोटे अच्छे से मिलता अनुसार आम जो जिन ब्लड ग्रुप करती बर्तन जो कोरोना पाई बर्तन भद्रक ब्लड बैंक ब्लड पूरा सर्ट हो तो ब्लड बैंक वाला फोन कर आगुरी पूर्व बहुत थर ब्लड जो ब्लड डोनर कार्यक्रम कर ब्लड बैंक जो चिफ थे फोन कर ब्लड किए सर्ट हो ब्लड कैंप करने कोरोना टाइम की महामारी चली भी अलग रक्त प्राण न जाऊ कि रक्त भद्रकुर लाला प्रमोद राय रिपोर्ट परिदर्शक मीडिया। औषध दोकानी मान द्वारा चूड़ा चाउल बंटन नवरंगपुर रे द्वितीय पर्याय लॉकडाउन रे निर्धारित समय रे सर्वसाधारण लोकों जातायात देखा मिली। नवरंगपुर सदर महकुमा औषध दोकान संघ 20 गोटी गरीब लेबर परिवार को चूड़ा चाउल संघर सभापति श्री गौरीशंकर पाड़ी समेत भी अरुण कुमार एन कृष्ण ए आनंद मिलित भाव चूड़ा चाउल बांटी। नवरंगपुर सीमाद्री पटनायक रिपोर्ट परिदर्शक मीडिया। सरकार निर्देश को फू कले जोगाण सहायक भूलीगले सामाजिक दूरता सारा विश्व को एबे घारी कोरोनार कला बादल भारत को एही विपत्ति मुक्त करने अहरह उद्यम जारी रखिंट सरकार। तबे देश में कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखी मे 3 तारीख पर्यंत द्वितीय पर्याय लॉकडाउन को वृद्धि करा सामाजिक दूरता उपरे गुरुत्व किंतु सरकार नियम को फू कर उड़ाई खोर्धा जिला बेगुनिया ब्लॉक पोड़ाडीह जोगाण सहायक सरकार प्रथम रु अष्टम श्रेणी पिला मध्यान भोजन बदल में चाउल देवा निर्देश देता बेले पंचायत में कोमलमती पिला खरारे ठिया कर सामाजिक दूरता अवलंबन नक चाउल बांटा दृश्य देखा मिली। घटना को स्थानीय अंचल बुद्धिजीवी मैंने नापसंद करे जे दायी विरुद्ध दृढ़ कार्यानुष्ठान दावी कर खोर्धार सुधीर कुमार बेहरा रिपोर्ट परिदर्शक मीडिया। असहाय सहायतार हाथ बढ़ाइले एनएससी कार्यनिर्वाही अधिकारी खोर्धा जिला बाणपुर बजार साहिर बाणपुर मूल बासिंदा विकृत मस्तिष्क पद्मा महाराणा बयस 80 थिबा बेले किछि दिन हेला रघुनाथ साहिर एक घर बारंडार पड़ रहुथिले अपरिष्कार असना होइकि संतोष नियाल एनएससी कार्यनिर्वाही अधिकारी पेट्रोलिंग समय देखिकी पाखक जाइले और से निजे नहीं आसी गाधुआ गाधुई कर नुआ वस्त्र पिंधाई एनएससी आहार केन्द्र को नहीं सेठे खाइबा और रहिबा व्यवस्था कराइले। एनएससी कार्यनिर्वाही अधिकारी एपरि महत काम को सब वर्ग द्वारा उच्च प्रशंसा कर खोर्धार सुधीर कुमार बेहरा रिपोर्ट परिदर्शक मीडिया। बासुलाई पाठागार पक्षर कोरोना सचेतनता कार्यक्रम सारा विश्व एवं आतंक सृष्टि महामारी कोरोना से केन्द्र सरकार 21 दिन पर्यंत लॉकडाउन घोषणा करे लोक सुरक्षा को दृष्टि रखी आउ 19 दिन बढ़ाई लोक मैंने किपर सचेतनता रे से सरकार दृष्टि देना भूताणुर किपर रक्षा पाए कटक जिला टांगी चौदार ब्लक अंतर्गत नपंग पंचायतर बासुलाई पाठागार पक्षर कोरोना सचेतनता कार्यक्रम कर
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୁବକ ସଂଘ ନିଜ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଇବା ସହ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି ଉପକରଣମାନ ବିତରଣ ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସଚେତନମୂଳକ ବାର୍ତ୍ତା ତଥା ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା, ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବା ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତାହା ସହ ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ପରିସର, ବ୍ଲକ ପରିସର ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟାଙ୍ଗୀ ଶାଖା ବିଶୋଧନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାସ୍କ, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ, ସାନିଟାଇଜର ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ବଳରାମ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ବାଇକ୍ ଚାଳକମାନଙ୍କୁ କରୋନା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା କରାଇଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କର୍ମଚାରୀ। କରୋନା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଇଲେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ତାଳଚେର ସଦରସ୍ଥିତ ସୂର୍ୟା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର ମାଲିକ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ। ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘରେ ରହି ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି ବୁଝାଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ 33 ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ସୁନୀଲ, ଗଗନ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆଦି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଇଥିଲେ। ଏତତ୍ ସମେତ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ପୋଲିସଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ବୋଲି ସବିନୟ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତାଳଚେରରୁ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଦେଶରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲକଡାଉନ। ଘରେ ରୁହ, ସୁସ୍ଥ ରୁହ ହେଉଛି ଲକଡାଉନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ହେଲେ ଏହି ଲକଡାଉନକୁ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ କେତେକ ଅବଲୋକନ, ଫଳରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକର ନାମ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, 30 ବର୍ଷ, ଘର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କନ୍ଧ ନୟାଗଡ଼ ଗ୍ରାମରେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଚମ୍ପାଗଡ଼ ନିକଟରେ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନିଜ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ମୋଟରସାଇକେଲଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଘରୋଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଟାଙ୍ଗୀ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦପୁର ପୋଲିସ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସୁଧୀର କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ଏବେ ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର। ଅଧିକ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ପରିଦର୍ଶକ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ଅଧିକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ www.youtube.com ପରିଦର୍ଶକ ମିଡ଼ିଆ ଖୋଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ବେଲ୍ ଓ ଅଲ୍ ବେଲ୍କୁ ଚପାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।